दोस्तों फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल फैंटसी सेलेक्टर पर, यहाँ पर हम बात करेंगे सनराइजर हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच होने वाले आज की इस आईपीएल के मैच की, जिसमें अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हम खेलेंगे फाइन टू प्ले पर भी, हम खेलेंगे बाकी हर जगह पर। और जो आपको मैं टीम यहाँ पर आपकी इस वीडियो में दूंगा, जो फाइनल टीम टेलीग्राम पर दूंगा, वो हर एक ऐप के लिए अगर मैं बात करूँ तो सेम टू सेम रहेगी। तो आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आज के इस मैच की पिच रिपोर्ट की, हर प्लेयर के स्टैट्स की। लेकिन ध्यान रखिए, डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो के फाइन टू प्ले ऐप का भी लिंक है, उसको डाउनलोड जरूर कर लीजिए। यहाँ पर रियल कैश बोनस आपको मिलता है, अगर आप जाकर के देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ज़बरदस्त ऑफर चलते हैं, आप इस ऐप पर जाकर के देख सकते हैं। और अगर हम बात करें अगर इस आज मैच की, तो खेला जाएगा महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पुणे में 7:30 बजे से रात को। इस मैच की आपको फाइनल टीम जैसे आपको मैंने बताया कि टेलीग्राम के चैनल पर मिलती है, जो कि टॉस बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस मैच की। अगर हम बात करें सरफेस की, तो ये अच्छी खासी विकेट है, जो कि बॉलर्स को, क्विक बॉलर्स को, यानी कि तेज गेंदबाजों को थ्रू आउट द मैच अच्छी खासी मदद यहाँ पर मिलती है। तो कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको आज बहुत सारे लोग मिस करेंगे आज के मैच में, आज की टीम में बहुत सारे लोग उनको अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं, जैसे कल के मैच में हुआ, परसों के मैच में हुआ। तो कौन कौन से प्लेयर्स हैं उनके बारे में आगे हम बात करेंगे। और यहाँ पर बॉलिंग फर्स्ट हमेशा से ही एक तरह से बेटर ऑप्शन रहता है, हालांकि अगर आप देखें तो चेज करते हुए यहाँ पर पिछले 7 मैच में से 4 मैचेस यहाँ पर चेज करते हुए टीम जीती है, लेकिन बैटिंग फर्स्ट करते हुए भी टीम यहाँ पर 3 मुकाबले जीती है, यानी कि चेज करने वाली टीम 4 जीती 3 हारी है। तो हमेशा, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि चिन म्यूजिक यहाँ पर फील हो सकता है बल्लेबाजों को, क्योंकि डेफिनेटली मैंने आपको बताया कि पेस होता है इस विकेट में, तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है, स्विंग मिलता है, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। और इसी तरह से जो होगा टॉस, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और टॉस के ही बेसिस पर हमारी फाइनल टीम बनेगी, जो कि टेलीग्राम के चैनल पर आपको मिलेगी। और ना सिर्फ एक टीम, बल्कि एक स्मॉल लीग की टीम और 6 ग्रैंड लीग की टीम आज के मैच में आपको मैं देने वाला हूँ अपने टेलीग्राम पर चैनल पर। तो सभी लोग जाइए, इस वीडियो को सबसे पहले तो लाइक करिए, 500 लाइक्स अगर आप पूरा करवा देते हैं तो आपको टेलीग्राम के चैनल पर 6 ग्रैंड लीग की टीम भी मिल जाएगी। तो जाइए जल्दी से, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा मेरे टेलीग्राम के चैनल का, उसको और क्लिक करिए, सीधा मेरे टेलीग्राम के चैनल पर पहुंचिए और नीचे के ज्वाइन बटन को क्लिक करके ज्वाइन करिए। इवन आप जा सकते हैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी, आपको पिन किया हुआ कमेंट मिलेगा, उसमें भी आपको मेरे चैनल का लिंक मिल जाएगा। स्पिन वर्सेस पेस की अगर हम बात करें इस मैदान पर, तो पिछले 4 मुकाबले में 29 विकेटें यहाँ पर ले रखी हैं तेज गेंदबाजों ने, और साथ ही साथ 15 विकेटें ले रखी हैं यहाँ पर स्पिन गेंदबाजों ने। उसमें भी मेजॉरिटी जो विकेट्स गिरे हैं वहाँ पर पहली इनिंग में गिरे, अगर आप देखें तो 26 विकेटें यहाँ पर 4 मैचेस में गिरे पहली इनिंग में, और 18 विकेटें गिरी है सेकेंड इनिंग में। और इसी वजह से चेजिंग थोड़ी सी आसान हो भी जाती है। स्पिन ने 10 विकेट लिए पहली इनिंग में, 5 विकेट सेकंड इनिंग में 4 मैचेस में, और तेज गेंदबाजों ने 16 विकेटें लिए पहली इनिंग में और 13 विकेटें सेकंड इनिंग में। तो ये तो है स्पिन और पेस का आंकड़ा इस मैदान पर, ओवरऑल भी और इनिंग वाइज भी। और ओवरऑल यहाँ पर आपने देखा कि हर एक इनिंग में विकेटें कितनी गिरती हैं, और यही चीज़ डिपेंड करेगी और यही चीज़ यहाँ पर डिसाइड करेगी आज के मैच कौन सा प्लेयर जीतेगा। टॉस बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर होगा। तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जाकर के क्लिक करिए और ज्वाइन कर लीजिए मेरे टेलीग्राम के चैनल को। अब यहाँ पर हम शुरू करेंगे 1 बाय 1 हर एक प्लेयर की बहुत ही इनडेप्थ एनालिसिस। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हर एक प्लेयर के यहाँ पर हम हेड टू हेड स्टैट्स देखेंगे, यानी कि एक दूसरे की टीमों के खिलाफ खेलते हुए किस तरीके की परफॉर्मेंस करते हैं, इस मैदान पर जहाँ पर आज का मैच है वहाँ पर इनकी क्या परफॉर्मेंसेज रही हैं, इनका पूरा करियर हम देखेंगे, लेकिन उसको भी ब्रेक डाउन करेंगे दोनों ही इनिंग्स में, यानी कि पहली इनिंग में जब बैटिंग करते हैं तो किस तरह से रन बनाते हैं, और सेकेंड इनिंग में जब बैटिंग करते हैं तो कितना बेहतर खेलते हैं, और उसके बाद इनका रिसेंट फॉर्म भी यहाँ पर देखेंगे, और उसके बाद सामने वाली टीम में जो गेंदबाज होंगे उनके खिलाफ इनकी क्या परफॉर्मेंसेज रही हैं उसको भी यहाँ पर हम वैल्यूएट करते चलेंगे, जिससे आपको बहुत ही अच्छी ओवरऑल एक मदद मिल पाएगी कि कौन सी, एक तो आपको गेंदबाजों के बारे में पता चल जाएगा कि कौन सा गेंदबाज किस बल्लेबाज को परेशान करता रहा है, विकेट ले सकता है वहाँ पर, चूंकि कुछ गेंदबाज होते हैं जो डेथ ओवर स्पेशलिस्ट होते हैं, कुछ स्ट्राइक बॉलर ग्रुप में भी आते हैं, तो ओपनर्स के लिए स्ट्राइक बॉलर जो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन होंगे। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पर डिस्कस करेंगे, पता चल जाएगी आपको ग्रैंड लीग की टीम बनाने में मदद करेगी, और आप स्मॉल लीग की टीम भी बढ़िया बना करके खुद से विन कर सकते हैं। शुरुआत करें यहाँ पर, लेकिन उसके पहले आपको एक चीज़ और बता दूँ कि इसी वीडियो को सबसे पहले जिसने लाइक और जैसे सबसे पहले जिसने कमेंट कर दिया होगा वो डेफिनेटली जीत चुका होगा 1000 रुपये, तो उसको बधाई हो डेफिनेटली। उसको मैंने आपको बता दिया था टेलीग्राम पर, हर मैच में आईपीएल के थोड़ा सा टाइमिंग यहाँ पर उल्टा सीधा हो जा रहा है थोड़ा सा वीडियो अपलोड करने में, लेकिन मैं कल से पूरी कोशिश करूँगा कि 9:30 बजे वीडियो आ जाए। फिलहाल ये आज का मैच का वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है, लेकिन फिर भी मैंने नोटिफाई कर दिया था टेलीग्राम पर, जो ज्वाइन करके रखा हुआ टेलीग्राम उसको पता चल जाएगा। और इसी वीडियो में एक क्वेश्चन भी मैं आपसे पूछूंगा जिसका आंसर आपको करना था, जो लाइक कमेंट वाला नहीं जीत पा रहा वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करे कमेंट बॉक्स में, और उसके भी पास पूरे चांसेज है 1000 रुपये की गिव अवे जीतने की। तो वीडियो में कहीं बीच में मैं एक क्वेश्चन पूछ लूंगा, उसका आंसर आपको करना होगा इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी होगा बेल आइकन को प्रेस करते हुए, और शुरू से अंत तक वीडियो भी पूरा जरूर देखिएगा, तो ही आपको गिव अवे क्वेश्चन आंसर वाला मिलेगा। केन विलियमसन की बात करें तो इनका हेड टू हेड स्टार्ट देखें तो सनराइजर हैदराबाद की तरफ से सामने वाली टीम के खिलाफ इन्होंने 7 में से 219 रन बनाए, 55 का बढ़िया एवरेज है। इस मैदान पर 2 मैच में इनके 72 रन है, तो डेफिनेटली काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन होंगे हर तरह से। बाकी इनका अगर करियर देखें तो 36 के एवरेज से चेज करते हुए रन बनाते हैं, 30 के एवरेज से बनाते हैं पहले इनिंग में बैटिंग करते हुए, और रीसेंट फॉर्म देखें तो 2021 में इन्होंने 24 में से 677 रन बनाए 42 के एवरेज से।
अब सामने वाली टीम में नेथन कुल्टर नाइल है 25 गेंद पर उनके 35 रन बना के एक बार आउट हुए। बोल्ट की 14 गेंद पर 22 रन बना के एक बार आउट हुए। चहल की 206 गेंदों पर 188 रन बना के 7 बार आउट हुए हैं। और जिमी नीसाम की जो कि इनके हम वतन ही हैं 12 गेंद पर 17 रन बना के एक बार आउट हुए हैं। तो उसमें से मुझे लगता नहीं कि नीसम को मौका मिलेगा आज के मैच में, लेकिन ये तीनों डेफिनेटली टीम में रहेंगे। और इन तीनों में से अगर मैं बात करूँ तो चहल के खिलाफ थोड़ा सा स्ट्रगल जरूर किया, लेकिन रन भी ठीक ठाक बना लिए हैं। 20-25 रन का एवरेज भी काफ़ी होता है मेरे हिसाब से, और लगभग लगभग सभी गेंदबाजों को इन्होंने काफ़ी अच्छा फेस किया है। इसकी बात है अभिषेक शर्मा, अब अगर ये ओपन कर जाते हैं आज के मैच में तो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन होंगे आपके लिए ग्रैंड लीग की टीम के कप्तान वाइस कप्तान के रूप में, चूंकि लेफ्ट आर्म ऑफिस में बॉलिंग भी कर लेते हैं। हेड टू हेड की बात करें तो 2 मैच में 21 रन इन्होंने बनाए हैं। इस पर अगर पूरा करियर इनका देखें तो 24 का एवरेज है पहली इनिंग में, 25 का सेकंड इनिंग में, 23 मैच में 9 विकेट हैं पहली इनिंग में, 20 मैच में 7 विकेट हैं सेकंड इनिंग में। रीसेंट फॉर्म देखें तो वो भी काफ़ी अच्छा रहा है, 20 मैच में 434 रन है, 27 का एवरेज है, 9 विकेट हैं 2021 में। और नवदीप सैनी के 2 गेंद पर 6 रन बना के एक बार आउट हुए हैं, बाकी किसी गेंदबाज को ज़्यादा इन्होंने फेस किया नहीं है। इसके बाद नंबर 3 पर आ सकते हैं राहुल त्रिपाठी। अब देखिए यहाँ पर इनके नाम के सामने क्या लिख दिया मैंने, 36, और यह है प्रैक्टिस मैच का स्टैट। अब यहाँ पर आपको बाकी स्टैट तो मिलेंगे, साथ ही साथ जो प्रैक्टिस मुकाबले हुए उसके भी स्टैट मिल जाएंगे जो आपको मदद करेंगे जिताने में, उनके रिसेंट फॉर्म को जानने में। जैसा पिछले पहला जो CSK का मैच था उसमें भी बहुत सारे लोगों ने एक रिस्क लिया था फाफ डू प्लेसिस के साथ, लेकिन उनका मैंने आपको बताया था कि 88 रन उन्होंने बनाए थे प्रैक्टिस मैच में, और वहाँ पर भी उन्होंने जबरदस्त उसी फॉर्म को कंटिन्यू किया, बेहतरीन रन बनाए, बहुत सारे लोग उसकी वजह से जीते भी। फिलहाल राहुल त्रिपाठी जिन्होंने प्रैक्टिस मैच 36 रन बनाए, इन्होंने 3 मैच में 96 रन बना रखे हैं। हेड टू हेड में अच्छा स्टैट है इनका, 10 मैच 272 रन इस मैदान पर भी इनके 30 के एवरेज के साथ, करियर एवरेज लगभग एक जैसा है दोनों इनिंग्स का। रिसेंट फॉर्म देखते हुए 21 मैच 484 रन 27 के एवरेज। रविचंद्रन अश्विन के 19 गेंद पर 18 रन बना के एक बार आउट हुए। बोल्ट के 15 गेंद पर 14 रन बना के एक बार आउट हुए। चहल को बहुत अच्छा खेला है, 37 गेंद पर 39 रन बना के एक बार आउट हुए। इसके बाद आ सकते हैं आइडन मार्करम, नंबर 4 पर राइट हैंडेड बैट्समैन है, राइट आर्म ऑफ स्पिन बॉलिंग करते हैं। हेड टू हेड के 1 मैच में 26 रन है, करियर एवरेज लगभग एक जैसा है दोनों इनिंग्स का। 2021 का रिसेंट फॉर्म अच्छा है, 29 मैच 773 रन, 34 का एवरेज, 5 विकेट हैं, जो कि थोड़ी बहुत बॉलिंग भी कर लेते हैं तो इंपॉर्टेंट ऑप्शन होते हैं। और सामने वाली टीम की तरफ से अगर आप जाकर के देखें तो राजस्थान रॉयल्स के बाद टॉप ऑर्डर पर ही आपको दिखाई पड़ेंगे 2 लेफ्ट हैंडर्स मोस्ट प्रोबेबली, और इवन अगर थोड़ा सा नीचे भी जाए मिडिल ऑर्डर में तो एक और आपको ऑप्शन सिमरन हेटमार के रूप में भी दिखाई पड़ सकता है। ये 3 ऑप्शन जो कि पूरे चांसेस हैं रहेंगे आज के मैच में जो लेफ्ट हैंडर, तो मुझे लगता है कि आइडन मार्करों को बॉलर के रूप में भी यहाँ पर टीम ट्राई जरूर कर सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा देखना कि आज के मैच में खेलते हैं नहीं, और खेलते हैं तो क्या डेफिनेटली इनको ट्राई किया जाता है नहीं, तो चांसेस पूरे रहेंगे उसको जरूर आप अगर भुना सकते हैं। बाकी जजिंदर चहल की 35 गेंद पर 27 रन बना के एक बार आउट हुए। उबेद मेघवाल की 10 गेंद पर 13 रन बना के एक बार आउट हुए, जो कि दोनों सामने टीम के स्क्वाड में हैं। इसके बाद निकोलस पुरन की बात करें तो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, 45 रन की एक अच्छी पारी खेली उन्हें प्रैक्टिस मैच में। हेड टू हेड की बात करें तो 6 मैच में केवल 96 रन है, करियर एवरेज इनका सेकंड इनिंग का थोड़ा बेहतर है 31 का, पहली इनिंग के मुकाबले काफ़ी बेहतर है। रिसेंट फॉर्म काफ़ी बढ़िया रहा इनका, 8 मैच 348 रन 50 के एवरेज। और भी रिसेंटली अब आप देखा होगा कि इंडिया वेस्ट इंडीज़ की जो सीरीज हुई थी वहाँ पर उन्होंने बैक टू बैक हाफ सेंचुरी जड़ी थी और अपनी टीम को कई सारे मैचेस लगभग लगभग जिता भी दिया था, हालांकि वहाँ पर क्लीन स्वीप हुआ इंडिया की तरफ से, लेकिन फिलहाल इन्होंने जबरदस्त फॉर्म वहाँ पर दिखाई थी। इसके बाद अगर बात करें यहाँ पर प्लेयर बैटल की, तो यहाँ पर नेथल कुंटा नायक के 19 गेंद पर 20 रन बना के एक बार आउट हुए, अश्विन के 14 गेंद पर 15 रन बना के एक बार आउट हुए, बोल्ट के 7 गेंद पर 1 ही रन बनाया और एक बार आउट हो चुके हैं, प्रसिद्ध कृष्णा के 31 गेंद पर 15 रन बना के एक बार आउट हुए, चहल की 49 गेंद पर 78 रन पीटे हैं केवल 2 बार आउट हुए, तो अच्छा खेला है इनको। इवन सैनी ने इनको बहुत परेशान किया हुआ है, 37 गेंद पर 41 रन देकर 3 बार आउट के, उबेद मेकॉय ने 20 गेंद पर 23 रन देकर 3 बार आउट के, तो उबेद मेकॉय सैनी खास करके यहाँ पर मैं सैनी को यहाँ पर प्रेफर करूँगा आज के मैच में अगर प्लेइंग 11 में खेलते हैं। इवन एक और ऑप्शन आपको आगे मैं बताऊंगा इन्हीं की तरह, हालांकि बाकी के ऑप्शंस भी काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन सैनी को बहुत कम लोग यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, लेकिन आज के इस मैच में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो कि आप बाकी के प्लेयर बैटल देखेंगे कई जगह इनका नाम आपको दिखाई पड़ेगा। आते हैं इसके बाद कश्मीरी प्लेयर अब्दुल समद, राइट हैंडेड बैट्समैन, 3 मैच में 10 रन है हेड टू हेड में, अगर आप देखें तो चेज बेहतर करते हैं। रिसेंट फॉर्म देखते हैं 21 मैच 378 रन है, 25 का एवरेज है। रजविंदर चहल की 1 गेंद पर बिना कोई रन बना करके आउट हुए एक बार, निशाम के भी 1 ही गेंद पर बिना कोई रन बनाए एक बार आउट हो चुके हैं, लेग स्पिन को भी कुछ खास नहीं खेल पाते हैं, 31 गेंद पर 46 रन बना के 3 बार आउट हुए हैं। इसके बाद आते हैं सुंदर, ऑफ स्पिनर है, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, और ये भी एक अच्छे ऑप्शन होंगे सामने वाली टीम के लिए, क्योंकि सामने वाली टीम में आपको मैंने बताया भी कभी देवदत्त पद्दिकल हैं, जसवीर जायसवाल है, सिमरन हेटमायर जैसे 3-3 लेफ्ट हैंडर्स हैं और उनके खिलाफ काफ़ी लीथल हो सकते हैं। 4 मैच में 35 रन है, 1 विकेट है हेड टू हेड में, 6 मैच में 3 विकेट इस मैदान पर है, करियर एवरेज बैटिंग का आप देख सकते हैं सेकंड इनिंग का काफ़ी बेहतर है, और बॉलिंग लगभग लगभग सिमिलर सी है दोनों ही इनिंग्स में। रिसेंट फॉर्म भी देख सकते हैं, 11 मैच में 7 विकेट हैं, 38 रन है 2021 में। इसके बाद आते हैं वेस्ट इंडीज़ के बॉलर रोमारियो सेफर्ट, राइट हैंड फास्ट मीडियम डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हैं, बैटिंग भी अच्छी खासी कर लेते हैं। 72 इनका हाईएस्ट स्कोर रहा है T20 में, 42 मैच की 23 इनिंग में 344 रन बना चुके हैं, 55 विकेटें भी हैं।
स्टैट्स तो काफ़ी इंप्रेसिव हैं। एक विकेट इन्होंने प्रैक्टिस मैच में भी लिया। इनिंग वाइज भी अगर आप देखें तो इनका दोनों इनिंग्स में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, चाहे पहली इनिंग की बॉलिंग हो चाहे सेकंड इनिंग की। और रीसेंट फॉर्म भी देखें तो 8 मैच में 90 रन है, 8 विकेट हैं, वो भी काफ़ी अच्छा है। इसके बाद आते हैं भुवनेश्वर कुमार। ये एक और ऐसे ऑप्शन रहेंगे नवदीप सैनी की तरह, जिनके पास जिनको थोड़ा सा लोग अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं, जबकि जैसा मैंने आपको बताया शुरू में ही पिच तेज गेंदबाजों को मदद देती है, स्विंग मिलेगी अच्छी खासी। और रिसेंटली इंडिया वेस्ट इंडीज मैच में भी इन्होंने काफ़ी जबरदस्त बॉलिंग की, 2 विकेट इन्होंने प्रैक्टिस मैच में भी लिया, 13 मैच में 13 विकेट हेड टू हेड भी ले चुके हैं इस मैदान पर, 15 मैच में इनके 13 विकेट हैं। करियर के हिसाब से जाएं इनिंग वाइज तो सेकंड इनिंग में इनकी बॉलिंग परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेहतर रही है, 4 मैच 5 विकेट इनके 2022 में रहे। बाकी उमरान मलिक एक और जम्मू कश्मीर से आने वाले प्लेयर, 2 विकेट लिया इन्होंने पिछले प्रैक्टिस मैच में, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर हैं। पहली इनिंग की बॉलिंग इनकी ज़्यादा बेहतर होती है सेकंड इनिंग के मुकाबले, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट कह सकते हैं आप इनको। 2021 में इनके 8 मैच में 11 विकेटें थी और वही इनका करियर भी है। बाकी थ्यागराज नटराजन लंबे समय बाद वापसी करेंगे, जो लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, 8 मैच 9 विकेट हैं 2021 में, 19 मैच 28 विकेटें हैं पहली इनिंग में। सेकंड इनिंग में थोड़े से कमजोर परफॉर्मेंस है, तो डेथ ओवर स्पेशलिस्ट ये भी आपको पता ही है किस तरह के यॉर्कर अपने बाएं हाथ के तेज गेंदबाजी के द्वारा फेंकते हैं। बाकी बेंच पर इनके पास प्रेम गर्ग है, जिन्होंने प्रैक्टिस मैच 29 रन बनाए, कार्तिक त्यागी हैं, श्रेयस गोपाल हैं लेग स्पिन बॉलर, जगदीशन सुचित है, मार्को यानसेन जो कि बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस रिसेंटली इनकी रही है अपनी टीम के लिए, चाहे साउथ अफ्रीका के लिए खास करके। सीन अबाउट इनको मुझे लगता नहीं है कि फिलहाल अभी खेलेंगे, ग्लेन फिलिप्स हैं, विष्णु विनोद हैं और फजल अल फारूकी हैं, और भी लंबा स्क्वाड है, लेकिन फिलहाल मैंने इनके ही बारे में यहाँ पर डिस्कस किया है जिनकी जरूरी रहेगी। अब जो दूसरी टीम है यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स की, इनकी तरफ से जॉस बटलर आपको यहाँ पर ओपन करते हुए नजर आएंगे, जिन्होंने 9 हेड टू हेड मैच 147 रन बनाए हैं 22 के एवरेज से। इस मैदान पर इनके 4 मैच में 120 रन 60 के एवरेज से। इनिंग वाइज दोनों इनिंग्स में एक जैसा खेलते हैं, 44 इनका रीसेंट फॉर्म रहा है एवरेज के हिसाब से, 28 मैच 1008 रन 2021 में, तो रीसेंट फॉर्म T20 में इनका काफ़ी कमाल का है। लेकिन भुवनेश्वर कुमार यहाँ पर एक बार फिर से इनके सामने आपको दिखाई पड़ेंगे कमाल की परफॉर्मेंस करते हुए, हालांकि फिर भी ठीक ठाक खेल गए हैं, 64 गेंद पर 68 रन मार के 3 बार आउट किया इन्होंने। बाकी देवदत्त पदिकल, जिन्होंने प्रैक्टिस में शानदार 67 रन की पारी खेली, इनके हेड टू हेड स्टार्ट देखे तो 5 मैच 114 रन है 23 के एवरेज है। इनका करियर देखे तो एकदम विराट कोहली की तरह चेज करते हुए काफ़ी कमाल की इनकी परफॉर्मेंस रहती है। बाकी 2021 में इनका रीसेंट फॉर्म देखे तो 27 मैच 776 रन 31 के एवरेज, और इनको भी भूवी ने काफ़ी परेशान कर रखा है पहले से ही, 23 गेंद पर 15 रन देखे 1 बार आउट किया है। इसके बाद आते हैं यशस्वी जायसवाल, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन लेग स्पिन बॉलर, 2 मैच में 60 रन है हेड टू हेड में, 24 के एवरेज है पहली इनिंग में, सेकंड इनिंग में मात्र 14 का, और रीसेंट फॉर्म भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद आते हैं संजू सैमसन, 18 मैच 615 रन है 44 का शानदार एवरेज है इनका हेड टू हेड में सामने वाली टीम यानी कि अगर मैं बात करूँ तो सिसारिस के खिलाफ। लेकिन इस मैदान पर इनके 5 मैच में मात्र 120 रन है 24 के एवरेज है, करियर एवरेज एक जैसा है दोनों इनिंग्स का, रीसेंट फॉर्म 3 मैच में 57 रन है 2022 में। वाशिंगटन सुंदर की 8 गेंद पर 16 रन बना के 1 बार आउट हुए, और सुंदर इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि सुंदर ने ना सिर्फ एक राइट हैंडर को भी परेशान कर रखा है खास करके संजू सैमसन ग्रुप में, बल्कि जैसे मैंने को बताया इनके पास टॉप ऑर्डर पर ही 3 लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन दिखाई पड़ेंगे, तो उनके खिलाफ भी काफ़ी लीथल हो सकते हैं। बाकी एक बार फिर से भुवनेश्वर कुमार दिखाई पड़ेंगे आपको, 84 गेंद पर 111 रन देखे 2 बार आउट के संजू सैमसन को, लेकिन यहाँ पर मैं कहूँगा कि सैमसन इनको ज़्यादा बेहतर खेला है। बाकी श्रेयस गोपाल के 7 गेंद पर 10 रन मार के 1 बार आउट हुए। इसके बाद सिमरन हेटमार, इन्होंने प्रैक्टिस मैच धमाकेबाददार बल्लेबाजी की, 70 नाबाद और 56 के 2 जबरदस्त पारियाँ खेली, हेड टू हेड देखें तो 7 मैच 164 रन 75 का हाईएस्ट स्कोर है, सेकंड इनिंग की बैटिंग परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर होती है इनके पूरे करियर के हिसाब से, 42 मैच 754 रन थे 2021 में, भूवी के 28 गेंद पर 24 रन बना के 1 बार आउट हुए, गोपाल के 4 गेंद पर बिना कोई रन बनाए 1 बार आउट हुए हैं। इसके बाद रियान पराग, इन्होंने भी प्रैक्टिस में जो कमाल की बैटिंग की, 49 नबाद और 88 के 2 शानदार पारियां खेली, बाकी की परफॉर्मेंस यहाँ पर आप करियर स्टार्ट देख सकते हैं। नेथन कुल्टर-नाइल जो मेन बॉलिंग अटैक यहाँ पर इनका शुरू होता है, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट भी आप इनको कह सकते हैं, इनका अगर हम बात करें तो 8 मैच 11 विकेट है हेड टू हेड में इस मैदान पर, 1 मैच में कोई विकेट नहीं है, लेकिन 2021 का रीसेंट फॉर्म देखें तो 13 मैच में 18 विकेट है। इसके बाद रविचंद्रन अश्विन, ये भी एक ऑफ स्पिनर, पिछले प्रैक्टिस मैच में इन्होंने 2 विकेट चटकाई, हेड टू हेड में 16 मैच में 10 इस मैदान पर 9 मैच में 6 विकेट है। इसके बाद टर्न बोल्ट, बाएं हाथ के तेज गेंदबाज, जी हाँ बिल्कुल, पहले मुंबई इंडियंस से खेलते थे, अब यहाँ पर खेलेंगे, 8 मैच में 9 विकेट हैं हेड टू हेड में, 1 मैच में इस मैदान पर कोई विकेट नहीं, 2 मैच में 4 विकेट हैं 2022 में। इसकी बात है प्रसिद्ध कृष्णा, 4 मैच में 6 विकेट है एज ए राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर हेड टू हेड में। चहल के ने, जिन्होंने 2 विकेट चटकाई अभी रिसेंटली प्रैक्टिस मैच में, हेड टू हेड में 17 मैच में 17 विकेट हैं इस मैदान पर, 4 मैच में 2 विकेट हैं। बाकी आप इनका बेंच भी देख सकते हैं, नवदीप सैनी, मुझे लगता है कि मौका मिलेगा इनको, बाकी के जो स्टार्ट्स हैं केसी करियप्पा के, नवदीप सैनी के, उबेद मेकवाई के, जेमी निशाम, रेजीवान डडासन, डेरी मिचेल के, सब कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटेल में, सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये तो हो सकती है प्लेइंग 11, बैटिंग ऑर्डर, स्क्वाड एनालिसिस, हर एक प्लेयर की पिच रिपोर्ट भी उम्मीद करूँगा आपने देखा होगा, और रिमाइंड करा रहा हूँ कि आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के चैनल के लिंक की कीमत से टेलीग्राम के चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अब थोड़ा यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अपने उस क्वेश्चन की, जो 1000 रुपये के गिव अवे का क्वेश्चन होगा, उसके बाद हम चलेंगे फैन टू प्लेयर पर, अपनी टीम सेलेक्ट कर लेंगे जो कि हर जगह के लिए सेम टू सेम होगी।
आज का जो 1,000 रुपये का हमारा क्वेश्चन गिव अवे होगा, आपको सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा ताकि किसी कोई ना कोई विनर जरूर बने। आपको आज के मैच में बताना है कि कौन सा ऐसा प्लेयर है जो आज के मैच का मैन ऑफ द मैच होगा। ध्यान रखिएगा, मैन ऑफ द मैच का प्लेयर जो होगा आज के मैच में, उसका नाम आपको सिंपल जाकर के अपने इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख देना है। लेकिन ये चीज ध्यान में रखिएगा कि जो मैंने आपको यहाँ पर स्क्वाड दिखाया है दोनों ही टीमों की तरफ से, जो प्लेयर्स के नाम मैंने आपको दिखाए, जो नाम मैंने यहाँ पर लिखा हुआ जिस स्पेलिंग के साथ, वही आपको भी लिखना है कमेंट बॉक्स में। क्योंकि जब मैं सर्च करूंगा कमेंट में कि किसका आंसर सही होगा जो मैन ऑफ द मैच होगा, उस नाम से जब मैं सर्च करूंगा तो मैं यही स्पेलिंग सेम टू सेम टाइप करूंगा, और अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो आप डेफिनेटली डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो जाइए कमेंट बॉक्स में और उस प्लेयर का नाम लिख दीजिए जिसको लगता है, जो लगता है आपको आज के मैच में मैन ऑफ द मैच होगा, और जो भी विनर होगा उसको डेफिनेटली 1,000 रुपये का गिव अवे किया जाएगा। कल, आज नहीं कल किया जाएगा, तो एक दिन बाद, एक दिन तो लग ही जाता है कम से कम ये सब चीज़ें निकालने में। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है बेल आइकन को प्रेस करने के साथ साथ, अगर आपको गिव अवे लेना है तो। गिव अवे के लिए जरूरी है लाइक और सब्सक्राइब करना, चैनल को इस बेल आइकन को प्रेस करना भी जरूरी है, वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा और क्वेश्चन का आंसर जरूर करिए कमेंट बॉक्स में जाकर। सभी लोग अटेम्प्ट करिए, कोई ना कोई जरूर जीतेगा, चांसेस पूरे हैं। तो ये तो होते हैं यहाँ पर, अगर मैं बात करूँ तो एनालिसिस और क्वेश्चन गिव अवे की बात। अब हम बात कर लेते हैं अपने टीम सिलेक्शन की। तो सेम यही टीम जो आपको मैं यहाँ पर सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ, हर जगह पर आपको सेम टीम के साथ जाना, इवन D11 पर भी। यहाँ पर जोस बटलर और संजू सैमसन के रूप में दो विकेट कीपर मैं ट्राई करूंगा। हालांकि यहाँ पर अगर आप चाहें तो एक चीज़ आप कर सकते हैं कि संजू सैमसन की जहाँ पर आप निकोलस पूरन को भी ले सकते हैं, इवन आप इन तीनों के साथ भी जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं ये दो प्रेफरेंसेस अपने टीम में पिक करूंगा। बाकी बैटिंग की बात करें तो केन विलियमसन, देवदत्त पद्दिकल और राहुल त्रिपाठी के रूप में तीन बैट्समैन मेरे टीम में होंगे। ऑप्शंस की बात करें तो जिस तरह से प्रैक्टिस मैच में शानदार फॉर्म दिखाई सिमरन हेटमायर ने, भी एक अच्छे ऑप्शन होंगे। यशस्वी जायसवाल को आप ग्रैंडलिंग में ट्राई कर सकते हैं। इवन यहाँ पर मैं आइडन मार्करों को भी आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ट्राई कर सकते हैं। डिपेंड करेगा कि जो आइडन मार्कर यानी कि SRH की जो टीम है इनकी, वो कितने बॉलिंग ऑप्शंस के साथ जाती है। क्योंकि अगर कम बॉलिंग ऑप्शन लेके जाती है तो डेफिनेटली इनके पास चांसेस होंगे पूरे बॉलिंग करने के। और आपको मैंने डिटेल में डिस्कस किया भी है कि एक ऑफ स्पिनर है, सामने वाली टीम में तीन लेफ्ट हैंडर्स हैं कम से कम, तो ये एक इंपॉर्टेंट हो जाएंगे उस कंडीशन में। लेकिन फिलहाल के लिए अभी मैंने इनको टीम में नहीं ले रखा है। बाकी ऑलराउंडर्स की बात कर लें तो यहाँ पर मैंने अपनी टीम में वाशिंगटन सुंदर और हमारे सेफर्ट को ट्राई कर रखा है। हालांकि यहाँ पर अगर आप चाहें तो अगर ओपन करते हैं तो अभिषेक शर्मा एक बहुत अच्छे ऑप्शन होंगे, एक लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिन बॉलर हैं। बाकी रियान पराग ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज दिखाई अभी प्रैक्टिस मैच में, तो ये अच्छे ग्रैंड लीग के चॉइस हो सकते हैं। बाकी रविचंद्रन अश्विन भी एक अच्छे ऑप्शन होंगे। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर बॉलिंग डिपार्टमेंट में, तो पर ट्रेंड बोल्ट, नेथल कुल्टर लाइल, इनको मैं ट्राई करूंगा, जो कि ना सिर्फ एज ए स्ट्राइक बॉलर आते हैं बल्कि डेथ ओवर भी अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं। बाकी उसी को ध्यान में रखते हुए त्यागराज, नटराजन और साथ ही साथ भूवी भी हमारे टीम यहाँ पर होंगे। तो चार तेज गेंदबाज मैं लेकर के चल रहा हूँ। हालांकि स्टिल यहाँ पर मैं कहूँगा कि बहुत अच्छे ऑप्शन है प्रसिद्ध कृष्णा, नवदीप सैनी, बहुत कन्फ्यूजन होगा कि किसको हम पिक करें, तो ये दोनों बहुत अच्छे ऑप्शन होंगे। स्टैट्स भी आपको मैंने दिखाए थे नवदीप सैनी के बहुत अच्छे हैं, इवन चहल, इनको भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरह से ये होती है हमारी टीम सिलेक्शन पूरी। और इस तरह का टीम प्रीव्यू देखें तो इस तरह की टीम आपको दिखाई पड़ेगी, इसमें दो विकेट कीपर्स और तीन बैट्समैन आपको दिखाई पड़ रहे हैं। केनी लंसन एज ए कैप्टन होंगे। बाकी अगर मैं बात करूँ तो रोमारियो सेफर्ट और वाशिंगटन सुंदर ग्रुप में दो होंगे हमारे ऑलराउंडर्स, भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन, ट्रेंड बोल्ट और नेथन कुल्टर नाइल के रूप में हमारे चार बॉलर्स होंगे। अब कप्तान और कप्तान की बात करते हैं, यहाँ पर आप देख ही रहे हैं किनको मैंने बना रखा है। बाकी अपने हिसाब से जो चेंजेस करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ आप जरूर ध्यान में रखिएगा कि शुरुआत में तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी। तो जो भी टीम पहली इनिंग में बॉलिंग कर रही है, अगर मान लीजिए यहाँ पर भूवी की टीम पहली इनिंग में बॉलिंग कर रही है, तो आप इनको कप्तान वाइस कप्तान बना सकते हैं। और अगर ट्रेंड बोल्ट की टीम पहले बॉलिंग कर रही है, आप इनको भी कप्तान वाइस कप्तान बना सकते हैं इवन स्मॉलिंग में। तो ये तो रहेगी टीम जो कि हर एक ऐप के लिए सेम टू सेम रहेगी। बाकी आपको मैंने बताया कि वीडियो के सारे एनालिसिस आपको मैंने दी ही है। बाकी गिव अवे क्वेश्चन भी एक पूछा, तो उसको आंसर जरूर करिए। डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के चैनल के लिंक की मदद से उसको ज्वाइन जरूर करिए, क्योंकि गिव अवे अनाउंसमेंट वहीं होगा और कई सारी गिव अवे वहाँ पर ऑलरेडी चल भी रही है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और फिलहाल इस वीडियो को यहाँ पर हम करते हैं खत्म, चलते हैं, नमस्कार।